ठीक है, आगे वाला है, इसके बाद हम द्वार वेद ले लेते हैं। सबसे पहला इसमें स्वर वेद, दूसरा है कोण वेद, तीसरा है कूप वेद, चौथा है कील वेद, पांचवा है स्तंभ वेद, छठवां है ब्रह्म वेद, होता क्या है ये? स्वर वेद ये है कि जो हम लोग गेट खोलते हैं, गेट खोलने में जो करकराने की जो आवाज आती है, गेट खोलने में जो करकराने की जो आवाज आती है ना, उसको स्वर वेद बोलते हैं। करकराने की कभी आपने सुना होगा, हॉरर पिक्चर आपने देखी हो, सब लोगों ने देखा होगा। हॉरर पिक्चर में सबसे पहले क्या करते हैं, एक आवाज निकालते हैं कर, फिर अंधेरा कर देते हैं और फिर ठक ईख मारते हैं, आप डर जाते हैं। वो जो कर की जो आवाज आती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके डर के बराबर है। ये स्वर वेद उन लोगों को पता कैसे चला होगा, वो लोग कितने योगी होंगे, कितने ध्यानी होंगे, मैं आपको आज के साइंस के जमाने में ये बता रहा हूं कि अगर हंसाना है, हंसने वाली पिक्चर है, हंसाना है और आपको साउंडलेस पिक्चर दे दी जाए तो आप नहीं हंसेंगे। आपके जो हंसने वाली वो जो टोन आती ना ट्वी 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 की, वो हंसाती है आपको, वो टोन हंसाती है। और जब ये वेद दिया गया था तब ये चीजें तो थी नहीं, अंदर से फील करते थे वो लोग, योगी होते थे वो लोग, ध्यानी होते थे, अंदर से फील करके आपको शास्त्र दिया हुआ है। स्वर वेद में आपके जो उसमें आवाज में कई तरह की आवाज होती है, आप देख लेंगे उसमें किस तरह की आवाज है। कर्र की आवाज आएगी, चन चन की आवाज आएगी गेट खुलते में, अगर इस तरह की आवाज आती है तो आपके अंदर गेट खुलते में ही, जैसी एंट्रेंस होता है या बाहर जाते हैं, उस टाइम में आप डर गए। शरीर को जो भी कमांड देंगे शरीर वैसा ही हो जाता है, शरीर को जैसी आवाज सुनाएंगे शरीर वैसा ही रूप ले लेता है, तो ये डर जाता है उसी टाइम आप। इसलिए इसको वेद माना जाता है कि बार बार अंदर आए, जब आदमी बाहर से स्पेस से कनेक्टेड हो तो डर के साथ ना हो, डरे नहीं उस टाइम में, उस टाइम में डर के साथ कनेक्टेड ना हो, इसलिए ये वेद स्वर वेद दिया गया है। ये कभी भी हो तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिएगा, द्वार वेद नहीं आया, ठीक है, ये द्वार वेद ही है ना। द्वार वेद में एक बात ध्यान रखिएगा, दरवाजा कभी भी दाएं हाथ से खोला जाता है, बाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ पे नहीं खुलता, दाएं हाथ पे खुलता है। जब भी दरवाजा खुलता है तो दाएं हाथ पे खुलता है, वो भी एक द्वार वेद में ही आता है। कोण वेद ये है जो हमने इससे पहले देखा था, आकार, भूमि के आकार में इस टाइप से जो था, जो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से नीचे जो कोण होते हैं ना, जिस भुजा में, जैसे ये है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ऊपर है फिर तो वो बढ़ी हुई भूमि हो गई, और 90 डिग्री से नीचे अगर कोई भुजा है ये वाली, इसको कोण वेद बोलते हैं। ये भूमि गलत होती है, इस टाइप से अगर भूमि मिले तो भूमि ही गलत है, अभी हम लोग भूमि पे ही कर रहे हैं, ये कोण वेद कहलाता है। या किसी भूमि में एक तीन तीन पांच सात इस टाइप में अगर भूमि हो, इस कोण की भूमि हो, तो वो भी गलत भूमि होती है। कूप वेद के अंदर अंतर्गत है, मकान के सामने, आपके मेन गेट के सामने, अभी द्वार की बात चल रही है ना, मेन गेट के सामने कुआं ना हो, गड्ढा ना हो, मेन गेट के सामने चलता हुआ पानी ना हो, कोई भी चलता हुआ पानी होता है ना, वो चलता हुआ पानी ना हो, नहीं तो पेट में प्रॉब्लम होती होती है। अगर आपके मेन गेट के सामने चलता हुआ पानी है तो पेट में प्रॉब्लम होती होती है। सीवर लाइन ना हो, वो सीवर की जो होती है उसका जो गड्ढा होता है वो ना, किसी भी तरह से नल कूप ये सब ना हो आपके मेन गेट के सामने, ये कूप वेद कहलाता है। कील वेद है, आपके मेन गेट के सामने कोई जानवर बंधा हुआ ना हो, खूंटे से कील में बंध के कोई जानवर बंधा हुआ ना हो, इसको कील वेद कहते हैं। स्तंभ वेद है,
स्तंभ वेद है आपके घर के जस्ट सामने, मेन गेट के सामने कोई इलेक्ट्रिसिटी का लट्ठा ना हो, पोल जो होता है ना वो ना हो। ये अब इनमें तो जो भी है, मगर ये आज के टाइम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खतरा है और सबसे गहरा खतरा है। लट्ठे के पास क्या होता है, अब अंडरग्राउंड अधिकतर तार अंडरग्राउंड हो गए हैं मगर अभी भी बहुत जगह नहीं हुए हैं। लट्ठे के पास क्या होता है, जितनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वहां से जा रही होती है उस वो उतनी निगेटिव फ्रिक्वेंसी आप पे फेंकती है। इस घर में रहने वाले लोग पागलपंती के हद तक प्रॉब्लम में होते हैं, दिमाग से परेशान होते हैं बहुत। ऐसे घर में रहने वाले लोग दिमाग से बहुत परेशान। ब्रह्म वेद ये है कि आपके घर के सामने, मेन गेट के सामने कोई चक्की आटा पीसने वाली, जो गेहूं पीसने वाली मशीन होती है ना, जो घिर घिर करने वाली होती है, तेल पेरने वाली जो होती है, इस टाइप से मशीन ना हो। अब ये चीजें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती हैं मगर फिर भी आप कहीं पर ज्ञान तो होना चाहिए ना, और इस टाइप की घिर घिर करने की आवाज ना आए आपके गेट के जस्ट सामने, कोई भी घिसने की आवाज ना आए, घर्षण की आवाज ना आए, ये ध्यान रखिए। ये जो दिया हुआ है ना, पीसने की आवाज ना आए, पिसने की आवाज ना आए, दोनों की आवाज ना आए गेट के जस्ट सामने, ये ब्रह्म वेद है। दो वेद ले लिए हमने, छाया वेद हो गया, द्वार वेद हो गया, स्थिति वेद।